हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम देखेंगे रेलवे विभागीय परीक्षा स्पेशल फॉर स्टेशन मास्टर एंड सेंडिंग मास्टर के लिए पार्ट नंबर 25 है। ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है और 302 से लेकर 321 तक का क्वेश्चन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीन सौ दो नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक उपकरण खराब होने या निलंबित उपलब्ध न होने पर गाड़ी आगमन वाले स्टेशन पर लाइन क्लियर पूछताछ एवं उत्तर संदेश के लिए कौन से अधिकार पत्र का उपयोग करते हैं? तो करते हैं टीबी 1425, ऑप्शन नंबर बी सही है। 303 नंबर का क्वेश्चन, पेपर लाइन क्लियर टिकट अप का नंबर क्या है? तो टीसी 1425 है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 304 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर लाइन टिकट डाउन का नंबर क्या है? तो टीडी 1425, ऑप्शन नंबर डी सही है। 305 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र का नंबर क्या है? तो यह है T/1525, ऑप्शन नंबर सी सही है। 306 नंबर का क्वेश्चन, ट्रॉली लॉरी या ओएची लैडर ट्रॉली नोटिस का नंबर क्या है? तो T/1418, ऑप्शन नंबर बी सही है। 307 नंबर का क्वेश्चन, मोटर ट्रॉली अनुज्ञा पत्र किसके लिए जारी किया जाता है? तो सिर्फ अनुगामी मोटर ट्रॉली के लिए जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 308 नंबर का क्वेश्चन है, जंग लगी रेल के रूप में घोषित ट्रैक पर कितने समय तक संचालन न होने पर जंग बहुल ट्रैक समझा जाएगा? 24 घंटे, ऑप्शन नंबर सी सही है। 309 नंबर का क्वेश्चन, ट्रैक पर ऑक्सीकरण या जंग लगने के कारण ट्रैक सर्किट की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, ऐसे स्थिति में क्या संभव है? तो ट्रैक सर्किट ड्राफ है या ट्रैक घिसे होने पर भी ट्रैक क्लियर इंडिकेशन दिखा सकता है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 310 नंबर का क्वेश्चन, जंग लगी रेल के रूप में घोषित ट्रैक के संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो ए बी सी तीनों बरतनी चाहिए, पहला दूसरा और तीसरा। इसमें पहले ए में क्या है, सामान्यतः उस ट्रैक सर्किट क्षेत्र में कोई वाहन या स्टेबल ना किया जाए। दूसरा बी, यदि कोई वाहन 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल है तो ट्रैक फील्ड बैटरी को डिसकनेक्ट करने के लिए एसआई को सूचना दी जाए। और सी ऑप्शन है, उस ट्रैक पर 24 घंटे से ज़्यादा कोई संचालन न होने पर या 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल वाहन के चले जाने पर स्टेशन मास्टर स्वयं सत्यापित करेगा कि लाइन साफ है। तो ए बी सी दोनों तीनों सही है, ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, 311 नंबर, ब्लॉक संचालन नियमावली के लिए अध्याय में प्राइवेट नंबर शीट के बारे में जानकारी दी गई है, तो अध्याय 12 में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 312 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक संचालन नियमावली के किस अध्याय में पैनल संचालन के बारे में जानकारी दी गई है? तो अध्याय 13 में, ऑप्शन नंबर डी सही है। 313 नंबर क्वेश्चन है, ब्लॉक संचालन नियमावली के प्रविष्ट 1 में किन बातों की जानकारी दी गई है? तो गाड़ी संचालन में प्रयोग होने वाले अधिकार पत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। 314 नंबर का क्वेश्चन, सतर्कता आदेश T/409 कब जारी किया जाता है? तो अस्थायी गति प्रतिबंध हेतु जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 315 नंबर का क्वेश्चन, स्टेशन मास्टर को विभिन्न प्रकार के ब्लॉक उपकरण एवं पैनल पर कार्य करने हेतु आवश्यक सर्टिफिकेट कौन सा है? तो T/115B है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 316 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक सक्षमता प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ZRTI के द्वारा जारी किया जाता है, प्राचार्य क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 317 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रूविंग एक्सेल काउंटर लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ए और बी दोनों हैं, ब्लॉक सेक्शन क्लियरेंस के सत्यापन के लिए और गाड़ियों के पूर्ण आगमन की सुनिश्चितता के लिए, तो दोनों के लिए है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 318 नंबर क्वेश्चन है, जिन स्टेशनों पर BPAC लगे हैं वहां एक्सल काउंटर इंडिकेशन कम रीसेट बॉक्स में ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने पर कौन सा इंडिकेशन दिखाता है? तो हरी दिखाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 319 नंबर का, ब्लॉक सेक्शन क्लियर होने के बाद भी एक्सेल काउंटर रीसेट बटन में ऑक्यूपाइड संकेत दिखने पर रीसेटिंग प्रचालन कब पूर्ण माना जाएगा? दोनों स्टेशनों या एक्सेल काउंटर रीसेट बॉक्स में प्रीपेरेटरी संकेत या छोटी हरी बत्ती दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 320 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह है COGGN क्या है, कॉलिंग ऑन या रूट बटन को एक साथ दबाया दबाना और छोड़ा जाए, ये गलत है। तो ये ऑप्शन मतलब इसमें कह रहा है कौन सा गलत है, तो गलत भी है। पहला क्या है, कॉलिंग ऑन सिग्नल को तभी आप किया जा सकते हैं जब सिग्नल के पीछे अप्रोच ट्रैक पर गाड़ी खड़ी हो, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन के अप्रोच लाइन इंडिकेशन 2 सेकेंड तक फ्लैश होगा फिर कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हो जाएगा, सही है। डी क्या है, जब कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ हो जाता है तो फ्लैशिंग अप्रोच लॉक इंडिकेशन गायब हो जाता है। तो इस तरह से आपका तीनों सही है और ये आपका सी ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसमें ऑप्शन में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो गलत आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर का, जिन स्टेशनों पर बीपीएसी लगे हैं वहां एक्सेल काउंटर इंडिकेशन कम रीसेट बॉक्स में ब्लॉक सेक्शन क्लियर ना होने या गाड़ी होने पर कौन सा इंडिकेशन दिखाता है? तो लाल बत्ती दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला चैप्टर रहेगा परिचालन नियमावली, अगला चैप्टर है परिचालन नियमावली ऑपरेटिंग मैनुअल पार्ट नंबर 26।